हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. वेलकम टू द क्लास. कैसे हो सभी? कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग विकास. गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग. एक बार अगर मेरी आवाज़ सही से आ रही है, मैं दिखाई दे रही हूँ, तो थम्स अप दे दो मुझे लाइव चैट पे. थम्स अप दे दो एक बार, फिर हम शुरू करते हैं. आज हमें माइक्रोब्स कंप्लीट करना है. माइक्रोब्स की रिवीजन हमको पूरी करनी है आज. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बच्चा. अच्छा ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू शब्बीर. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अच्छा, हैप्पी रामनवमी. बिल्कुल हैप्पी रामनवमी. गुड मॉर्निंग बच्चा लोग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आ जाओ सभी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आ जाओ सभी, जल्दी से आ जाओ. तो हम आज माइक्रोब्स, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, स्ट्रैटेजीज में थी रटने वाली चीज़ें, माइक्रोब्स में भी हैं पर स्ट्रैटेजीज के कंपैरिजन में कम है. तो जल्दी से हम इसको खत्म कर लेंगे. सब लोग आ जाओ, फटाफट से रिविजन कर लेंगे. हैप्पी रामनवमी सभी को. हैप्पी रामनवमी. और आ जाओ, शुरू करते हैं हम लोग. क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, 12th का अगेन हमारे पास लेसन. और कुछ फिक्स्ड पोर्शन है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है नीट में यहाँ से, और उसको हमको रिवाइज करना है. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख ही लेंगे, और एनसीईआरटी तो हम इसमें रिवाइज कर ही रहे हैं, है ना? तो शुरू करते हैं. आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फटाफट से रिवाइज कर लेंगे बेटा. और आपका पीडीएफ जो भी बच्चे बोल रहे थे, t.me/anandmani001 टेलीग्राम चैनल में पहली आपकी क्वेरी आंसर कर रही हूँ, इससे पहले बाद में आए. आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस चैनल को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहां पर अपलोड हो जाएगा. गुड मॉर्निंग सिद्धि. गुड मॉर्निंग बच्चों. गुड मॉर्निंग. चलो शुरू करें. थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू. अच्छा शुरू करते हैं. अच्छा फटाफट से अब आंसर करना है सबको लाइव चैट में. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट जैसी चीजों को हमको मार्क करना होता है ताकि हम सिली मिस्टेक ना करें, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है. बिसाइड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ, है ना? बिल्कुल, बायोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है. माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन इन हार्श एनवायरमेंट सच एज डीप इन साइड द गीजर्स, वेयर टेम्परेचर मे बी एज हाई एज 100 डिग्री सेल्सियस. लिखना चाहिए यहाँ पे. तो हर जगह आपको बैक्टीरिया मिलते हैं, हाई टेम्परेचर पे मिलेंगे, हाई सॉइल कंडीशन में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, सही स्टेटमेंट है. माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट, वायरस, वायरोइड्स एंड ऑल्सो प्रियॉन्स. बिल्कुल, माइक्रोब्स में कौन कौन सी किंगडम आ जाएगी बेटा आपके पास? बैक्टीरिया, मोनेरा आ जाएगी, कुछ फंजाई आ जाएंगे, प्रोटोजो आ जाएंगे, और कुछ माइक्रोस्कोपिक वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स भी आते हैं. पहली पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये सब माइक्रोस्कोपिक है. माइक्रो मतलब वो जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, तो ये सारे माइक्रोब्स हैं. बिल्कुल सही बात है, सही बात है. आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है. प्रियॉन्स आर प्रोटीनेशियस नॉन इन्फेक्शियस एजेंट. बेटा प्रियॉन्स प्रोटीनेशियस हैं बट ये इन्फेक्शियस हैं, ये डिसीज कोज करते हैं, नॉन इन्फेक्शियस नहीं है. ये इनकरेक्ट है, ये आपका आंसर आ जाएगा. क्यों इनकरेक्ट है? नॉन इन्फेक्शियस नहीं होते इसलिए इनकरेक्ट है ना? डी होगा आंसर. गुड मॉर्निंग बेटा. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब हमको करेक्ट बताना है. माइक्रोब्स लाइक प्रोटोजोआ कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज. माइक्रोब्स कैन कोज डिसीज इन एनिमल्स नॉट प्लांट. ये तो गलत हो जाएगा. माइक्रोब्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में डिसीज कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं ना कि वायरस चूज करता है कि प्लांट में करना है, एनिमल में नहीं करना, ऐसा नहीं होता. माइक्रोब्स आर नॉट फाउंड इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट. गलत. एसिडिक कंडीशन में आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया मिल जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल, सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू फॉर्म, यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन डाइवर्स वेज. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. सारे माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं है, बहुत माइक्रोब्स हमारी मदद भी करते हैं, जैसे दही बनाने में मदद हो रही है, एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद हो रही है ना? तो ये हमारे लिए सही है. अच्छा, ए स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? प्रोटोजोआ को क्या आप न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते? बेटा प्लेट में एक न्यूट्रिटिव मीडियम देकर कॉलोनीज बनाना वायरस की, बैक्टीरिया की, फंगस की इजी होता है, प्रोटोजोआ की नहीं, है ना? इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है. करेक्ट आपके पास हो जाएगा ऑप्शन डी. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी. क्या बात है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3. बैक्टीरियोफाज दिया हुआ है, वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है. डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेबल आपको करना है. इससे हमें पता चल रहा है लेबलिंग जो है डायग्राम्स की, एटलीस्ट एनसीईआरटी डायग्राम्स की हमको आनी चाहिए. 12th के तो सारे डायग्राम्स हम देख भी चुके हैं, ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स. 11th का भी लेक्चर आपको जल्दी मिल जाएगा. फटाफट यहाँ पर लेबलिंग करो इस बैक्टीरियोफेज में. सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये हेड है, हेड के बाद ये रीजन नेक वाला रीजन होता है, नेक के नीचे हो गया कॉलर, कॉलर, कॉलर के नीचे मैं थोड़ा जूम कर कर आपको दिखाती हूँ बेटा. देखो ये हेड है, ये नेक है, ये कॉलर है, ये जो पतला सा रीजन आपको दिख रहा है ये टेल है, ये आपके पास टेल होती है.
ये आपके पास टेल होती है। फिर यहां पर ये जो रीजन है जो मार्क नहीं कर रखा, ये प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट्स होती हैं, और इसके नीचे आपको दिख रही है क्या, फिन्स। ठीक है, ये मैं वैसे मार्क कर देती हूँ, ये प्लेट होती है और प्लेट के नीचे होती हैं फिन्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रॉन्ग्स है, और प्रॉन्ग्स तो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, प्रॉन्ग्स आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, लेबलिंग कर ली हमने, अब जरा ऑप्शन देखो। अच्छा, क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वन, आपके पास हेड है, फिर नेक है, फिर कॉलर है, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नाइस, आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4। द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इंटू कर्ड, कौन सा माइक्रोब मिल्क से कर्ड बनाता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, LAB भी बोलते हैं, LAB बहुत कॉमनली यूज शॉर्ट फॉर्म है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आप जो ए आंसर कर रहे हैं वो जल्दबाजी कर रहे हैं, एक एक थप्पड़ लगाना चाहिए उन सबको अपने आप को यहाँ पर, ये गलत है बेटा, ऐसे नहीं करना है। पहला स्टेटमेंट रीड करते ही आंसर नहीं दे देना, सारे ऑप्शंस रीड करने होते हैं। लैक्टोबैसिलस करेक्ट है, LAB भी करेक्ट है, आंसर होगा डी, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। ऐसी सिली मिस्टेक नीट में करके आओगे ना तुम तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ये नहीं करना है। सीखो, प्रैक्टिस करो और सारे ऑप्शन रीड करो। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट। देखो क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना है बेटा, वरना आती जाती चीज गलत कर देंगे हम, है ना। नोट इनकरेक्ट, जो गलत नहीं है, मतलब जो सही है, यानी आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसको लिख लो ताकि दिमाग में क्लियर रहे, मुझे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब रीड करो, LAB एसिड बनाता है ना, लैक्टिक एसिड बनाता है, दिस कोएगुलेट एंड कंप्लीटली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। पहला स्टेटमेंट ही गलत है, जब दही बनती है दूध से, मिल्क के सारे प्रोटीन कोएगुलेट नहीं होते, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, पार्शियल डाइजेशन होता है, स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर देखो, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चीज इज एडेड टू फ्रेश मिल्क एज इनोक्युलम और स्टार्टर दैट कंटेन्स मिलियन मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जब आप दही बनाने के लिए दूध में थोड़ा सा स्टार्टर डालते हो, उसमें चीज नहीं डालते बेटा, उसमें कर्ड ही डालते हो, तभी कर्ड बनेगी ना, ये स्टेटमेंट गलत है। LAB मल्टीप्लाई एट अ सूटेबल टेम्परेचर दस कन्वर्टिंग कर्ड इनटू मिल्क विच ऑल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लाई एट सूटेबल टेम्परेचर दस कन्वर्टिंग, अरे 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 अरे, ढंग से रीड करो, दस कन्वर्टिंग कर्ड इनटू मिल्क, LAB मिल्क से कर्ड बनाता है, कर्ड से मिल्क नहीं, स्टेटमेंट गलत है। LAB प्लेज वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कोसिंग माइक्रोब्स, बिल्कुल, दही खाने से गट माइक्रोबायोटा अच्छा रहता है, ये स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीज ड्यूरिंग कर्ड फॉर्मेशन बाय लैक्टिक एसिड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, PYQ में भी आया है ये क्वेश्चन आपके पास। कौन सा विटामिन इंक्रीज होता है जब लैक्टिक एसिड बनता है दही में? विटामिन B12, विटामिन B12 है ना, विटामिन B12, सी हो जाएगा, बिल्कुल। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क टू कन्वर्ट इट इंटू कर्ड। मिल्क से कर्ड बनाने के लिए जो स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा कर्ड डालते हैं उसे स्टार्टर भी कहते हैं बेटा, उससे इनोक्युलम भी कहते हैं, स्टार्टर भी कहते हैं, इनोक्युलम भी कहते हैं, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, उसे आप स्टार्टर भी कहते हो, इनोक्युलम भी कहते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द डो, जो आटा गूंथा हुआ आटा होता है, विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली, इज फर्मेंटेड बाई ईस्ट। बेटा इन सब में फर्मेंटेशन है, सही बात है, पर डोसा और इडली बनाने के लिए जो फर्मेंटेशन करती है वो ईस्ट नहीं करता है, वो बैक्टीरिया करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेड बनाना है, केक बनाना है, एल्कोहल बनाना है, सब में ईस्ट आ जाएगा, लेकिन डोसा और इडली बनाने में ईस्ट नहीं आता, फंगस नहीं आता, बैक्टीरिया आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये फर्मेंटेशन कौन करता है? बैक्टीरिया करता है, बैक्टीरिया का नाम है ल्यूकोनोस्टोक। ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रही हूं मैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, उस बैक्टीरिया का नाम है ल्यूकोनोस्टोक। फिर देखो, जो पफ्ड अप अपीयरेंस आती है डो की, वो CO2 प्रोडक्शन की वजह से है, सही बात है। द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग ब्रूअर्स ईस्ट। अब ये थोड़ा सा वेग क्वेश्चन हो जाता है, आपको पता है ब्रेड बनाने में कौन फर्मेंटेशन करता है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाए, है ना, ये हमको पता है, हमारे पास ईस्ट है। अब इस ईस्ट को आप बेकर्स ईस्ट भी बोलते हो और इस ईस्ट को आप ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हो, लेकिन इसको आप ब्रूअर्स ईस्ट तब बोलते हो क्योंकि ये एल्कोहल बनाता है, और बेकर्स ईस्ट इसको इसलिए बोलते हो क्योंकि ये ब्रेड बनाता है। अब ब्रेड बनाने में जो नाम आना चाहिए वो बेकर्स ईस्ट आना चाहिए, ब्रूअर्स ईस्ट नहीं, पर ठीक है, ब्रूअर्स ईस्ट भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ही है, सेम ईस्ट ही है जो काम कर रही है, तो मैं फिर भी स्टेटमेंट को ट्रू मान लेती हूँ, मान सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखो, टोडी जिसे ताड़ी भी कहते हैं, ये एक साउथ इंडियन ड्रिंक है,
जो किससे बनी है, फर्मेंटेशन से। किसका फर्मेंटेशन किया है? फ्रूट फ्रॉम पाम्स। ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, पाम सैप का फर्मेंटेशन किया जाता है, पाम की सैप का फर्मेंटेशन करते हैं, फ्रूट का नहीं। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आगे देखो, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। हम और भी चीज़ों का फर्मेंटेशन कर सकते हैं, फिश का, सोयाबीन का, अलग अलग तरीके के आप प्रोडक्ट बनाते हो। बैम्बू रूट नहीं, बैम्बू शूट। बैम्बू शूट का फर्मेंटेशन किया जाता है, रूट का नहीं। ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? मैं सेकेंड को और थर्ड को, थर्ड को भी वैसे तो गलत ही बोलना चाहिए क्योंकि बेकर्स ईस्ट होना चाहिए, पर नाम सेम है तो चलो आप सेकेंड और थर्ड को सेम मान लो, तो आंसर हो जाएगा आपके पास सी। आंसर हो जाएगा आपके पास सी, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको मार्क कर रही हूँ, ढंग से इसको देख लेना, है ना। सारी स्टेटमेंट में बहुत छोटू छोटू मिस्टेक्स हमको मिली हैं, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको मिल जाएगी आसानी से, है ना। तो दो स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट आ रही है, विच इज सी, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको फिर से क्या चूज करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्स्चर, फ्लेवर एंड टेस्ट, द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड। अलग अलग चीज़ का टेक्स्चर, फ्लेवर और टेस्ट अलग होता है, बिल्कुल, क्योंकि आप उन्हें अलग अलग माइक्रोब से बनाते हो, सही बात। स्विस चीज में जो लार्ज होल्स आपको देखने को मिलते हैं, दे आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ SO2। नहीं बेटा, जो होल्स हैं वो CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड लीव करती है, SO2 नहीं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रोकफोर्ट चीज आर राइपन्ड by growing a specific fungus named Penicillium roqueforti. Penicillium roqueforti Roquefort cheese बनाता है, सही बात है। Adenovirus, इसका diagram NCERT में दिया हुआ है। ये diamond shape का structure, पूरा ऐसे solid structure बना हुआ है जो respiratory infections करता है। ये आपकी diagram से आया हुआ question है, diagram से आया हुआ option है। ये statement भी सही है। आपके पास incorrect क्या हो जाता है? B। यही incorrect है क्योंकि SO2 नहीं, CO2 release हो रहा है। बिल्कुल बच्चों, answer है B। बहुत बढ़िया। Next देखो, ईस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, तो ईस्ट से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बनता है, ईस्ट नहीं। लाइपेज आपका अलग एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। आपका ब्रेड और बियर ईस्ट से बनता है, ये फिर से आपका फंगस में भी चला जाएगा, बैक्टीरिया में भी चला जाएगा। ईस्ट क्या बनाता है? बेकर्स और ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हो, क्योंकि ब्रेड भी बन रही है, एल्कोहल भी बन रही है। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11, स्विस चीज में जो बिग होल्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? क्या वो एक मशीन से बनते हैं? क्या उनमें मिथेनोजन बैक्टीरिया जाता है? कौन सा बैक्टीरिया जाता है? मिथेनोजन नहीं जाता बेटा, बैक्टीरिया का नाम है प्रोपनियो बैक्टीरियम शर्मानी। वो फर्मेंटेशन करता है जिससे CO2 रिलीज होता है और फिर वहां पर बिग होल्स बनते हैं। ये करेक्ट है। लैक्टोबैसिलस भी नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है स्विस चीज बनाने के लिए, बैक्टीरिया का नाम है प्रोपनियो बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बेवरेजेस आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। आपको पता है फर्मेंटेशन से मैक्सिमम 13% एल्कोहल बन जाता है, उसके बाद टॉक्सिसिटी होने लगती है। तो वो एल्कोहल जिनमें ज़्यादा आपको परसेंटेज ऑफ एल्कोहल चाहिए, ऐसी बेवरेजेस में फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन भी करना पड़ता है। ऑलमोस्ट सारी बेवरेजेस में फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन करना पड़ता है। दो ऐसी बेवरेजेस हैं आपके पास, एक बियर और एक वाइन, जिनमें ओनली फर्मेंटेशन है, जिनमें ओनली फर्मेंटेशन है, उसके बाद डिस्टिलेशन बेटा नहीं है। अब सिर्फ फर्मेंटेशन किस किस में है? वाइन और बियर, उसको हटा दो तो बाकी सब में डिस्टिलेशन है। विस्की, रम और ब्रांडी, है ना, विस्की, रम और ब्रांडी। तो कितने बेवरेजेस हो गए? 3। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से इनकरेक्ट बताना है तो इसको सर्कल करो ताकि गलती ना करें। वेरी लार्ज वेसल इन विच माइक्रोब्स आर ग्रोन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स ऑन इंडस्ट्रियल स्केल आर टर्म्ड एज फर्मेंटर्स। मैं इसको जूम कर रही हूँ आप लोगों के लिए। जो बड़े बड़े वेसल्स में इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन की जाती है बेटा, उन वेसल्स को कहते हैं फर्मेंटोर्स। स्पेलिंग देखना एनसीईआरटी, अगर आप ढंग से देखोगे तो TORS लिखा होगा, फर्मेंटोर्स, FERMENTE नहीं लिखा होगा। जो TE होता है वो बैक्टीरियाज या वायरस यानी माइक्रोब्स की बात की जाती है। जब आप E लिखते हो यानी आप उन माइक्रोब्स की बात करते हो जो फर्मेंटेशन कर रहे हैं। आप अगर O लिखते हो तो इसका मतलब होता है आप वेसल की बात कर रहे हो। तो टेक्निकली स्टेटमेंट हो गया ये गलत। आगे देखो, माइक्रोब्स स्पेशली ईस्ट have been used from time immemorial for production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, rum. ये statement सही है, बनाते हैं हम एल्कोहलों से। अच्छा,
फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविस इज यूज फॉर ब्रेड मेकिंग. आप उससे ब्रेड भी बनाते हो, उससे तब ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन भी हो रही है, तो दोनों ही चीजें बन रही है, इसलिए बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं. सही बात है. एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ 19th सेंचुरी एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ह्यूमन सोसाइटी बेटा बाकी सब स्टेटमेंट ठीक है, पर 19th नहीं 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी याद करो, हमने वर्ल्ड वॉर में जब बात की है 1945 में इनको नोबेल प्राइज मिला है ना, तो 20th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी में ये स्टेटमेंट गलत हो गया. अब दो स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट आ रहे हैं, तो आप मोस्ट करेक्ट कैसे चूज करोगे? तो हम बोल देंगे कि हाँ ये तो बहुत वैलिड वैलिड इनकरेक्ट चीज़ है, क्योंकि 19th सेंचुरी नहीं है, हमें पता है 20th सेंचुरी है, तो हम इसको टाइपिंग मिस्टेक मान के इसको फर्मेंटर्स खुद से कर देते हैं कि ठीक है ये फर्मेंटर्स है, ये फर्मेंटर्स है. अगर ये स्टेटमेंट आपके पास नहीं होता और यहाँ एफ ई आर एम ई एन टी ई आर एस लिखा होता तो ये इनकरेक्ट होता बेटा. फर्मेंटर्स और फर्मेंटर्स का डिफरेंस समझना, मैं यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ. अगर यहाँ ई होता है इसका मतलब आप माइक्रोब की बात कर रहे हो, और ओ होता है उसका मतलब आप वेसल की बात कर रहे हो. ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है? वैसे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि 19th नहीं 20th सेंचुरी है. इतने लेंथी क्वेश्चंस आएंगे तो बैलेंस में आएंगे आपके पास. आज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करें, हमें हर एक पैराग्राफ रिवाइज करना है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाए, है ना? बिल्कुल. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, कितने स्टेटमेंट नॉट इनकरेक्ट है? नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट पूछ रहे हैं आपसे. आपने देखा ऐसा पैटर्न, नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट पूछ रहे हैं आपसे. एंटी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब होता है लाइफ, टुगेदर इट मीन्स अगेंस्ट लाइफ. सही बात है. एंटीबायोटिक केमिकल स्टेटमेंट है जो माइक्रोब्स बना रहे हैं, दे किल एंड रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये स्टेटमेंट भी सही है. पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था, बिल्कुल सही बात है. एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवरी की थी जब वो फंगस सॉरी बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहा था. सही बात है. द फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक, लेकिन उसका फुल पोटेंशियल दो साइंटिस्ट ने देखा था, अर्नेस्ट चीन एंड हॉवर्ड फ्लोरी. सही बात है. पूरा का पूरा एंटीबायोटिक वाला पैराग्राफ एनसीईआरटी का आपका रिवाइज हो गया. सारे स्टेटमेंट एकदम सही है, 5 के 5 स्टेटमेंट एकदम सही. आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए. आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब हमें करेक्ट बताना बेटा. पेनिसिलिन वॉज यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर वन. फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1954. ये गलत है, 1945. बिफोर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो प्योरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स. ऐसा नहीं है क्योंकि पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, उससे पहले एंटीबायोटिक्स नहीं बनी थी, पहली एंटीबायोटिक ही पेनिसिलिन थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीज सच एज प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी. हम बहुत सारे डिसीजेस को ट्रीट कर पा रहे हैं एंटीबायोटिक्स की वजह से. ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी, ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. वी यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर वन, नहीं वर्ल्ड वॉर टू, आपने पढ़ा है ना. तो एक ही स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट हो जाएगा, डी, ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट हो जाएंगे गलत. हाँ बिल्कुल, हमने वर्ल्ड वॉर टू पढ़ा है, वन नहीं पढ़ा. स्टेटमेंट हो जाएगा डी, जो कि करेक्ट है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16. माइक्रोब्स आर यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स. अब इस पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पर आपका कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वाला पैराग्राफ आ जाता है, उस एक पैराग्राफ से ऑलमोस्ट एक या दो क्वेश्चन लगातार पिछले 5 सालों में रिपीट हुए बेटा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एनसीईआरटी का या पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी का यहाँ पे शुरू हो जाता है, तो बहुत ढंग से ध्यान से आंसर करना है, ठीक है. माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल्स, एंजाइम्स. बिल्कुल सही बात है. आपको इनकरेक्ट मैच बताना है, आपको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है. एस्परजिलस एक फंगस है, उससे सिट्रिक एसिड बनता है. सही बात है. एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है, वो एसिटिक एसिड बनाती है जो विनेगर में होता है. सही बात है. क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटायरिकम ब्यूटायरिक एसिड बनाती है. सही बात है, पर वो प्रोटोजोन नहीं है, वो बैक्टीरिया है. ये गलत हो गया. लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, वो लैक्टिक एसिड बनाता है. सही बात है. तो सिर्फ ये स्टेटमेंट गलत है, वो भी क्यों? क्योंकि ब्यूटायरिकम बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन नहीं है. तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाएगा, ठीक है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17. द सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन. एक एंजाइम है, डिटर्जेंट्स में आप डालते हो, ऑयल को रिमूव करने, लिपिड को ब्रेक करने, लाइपेज. एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज. सी हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18. बॉटल्ड जूसेस आर क्लेरिफाइड बाय विच एंजाइम. जो बॉटल्ड जूसेस में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको क्लेरिफाई करने के लिए प्रोटीन डाइजेस्ट करना पड़ेगा. कौन कौन से दो एंजाइम हमें एनसीईआरटी में बताए? पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस.
लाइपेज नहीं, अकेला पेक्टिनेज नहीं, पेप्टाइडेज नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड बड़ा नहीं तोड़ना आपको, बिग प्रोटीन को स्मॉल टुकड़ों में लाना है, तो पेक्टिनेज और प्रोटीज आपके पास आ जाएगा, ठीक है, पेक्टिन वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए और प्रोटीज आ जाएगा आपके पास, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो 19, मैच द फॉलोइंग आ रहा है हमारे पास, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके पास बहुत बार पूछे गए हैं, खास कर ये दोनों कंपाउंड साइक्लोस्पोरिन हो गया आपके पास एंड स्टैटिन, इन पर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब साइक्लोस्पोरिन की अगर मैं बात करूं तो ट्राइकोडर्मा ने साइक्लोस्पोरिन बनाया और ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेसिक एंजाइम है जो आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है, ये क्लोट बस्टर की तरह काम करता है। स्टैटिन जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है ये आपको मोनेस्कस परप्यूरिस नाम के फंजाई से मिलता है और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करता है, जिनके एंजियोप्लास्टी हुई उनको लाइफ टाइम तक ये स्टैटिन खाना पड़ता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी आपका ईस्ट है, जो बेकर सीस्ट भी है, ब्रूअर सीस्ट भी है, तो वो इथेनॉल बनाता है। तो जरा आंसर देख लो बेटा, ए का 2 है, बी का 3 है, तो आंसर आपके पास हो जाएगा सी। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं वैसे इस चैप्टर में, है ना, चलो अच्छा है हमारी प्रैक्टिस के लिए। कितने करेक्ट है आपको बताने हैं। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल किसका नाम दे दिया, साइक्लोस्पोरिन का नाम दे दिया। एक फंगस बनाता है जिसका नाम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, जी हाँ अभी आपने देखा ट्राइकोडर्मा से साइक्लोस्पोरिन बनता है। स्टैटिन एक फंगस से बनता है जिसका नाम मोनेस्कस परप्यूरियस है, बिल्कुल अभी हम मैच पर करा रहे हैं। इन ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन सा फंगस कौन सा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बना रहा है, ये बारी बारी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टैटिन क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। कैसे कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ये कंपिटिटिवली इनहिबिट करता है, कंपिटिटिव इनहिबिशन होता है उस एंजाइम में जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, उस एंजाइम में कंपिटिटिव इनहिबिशन होता है, बिल्कुल सही बात है, यही मेथड यूज होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम है, क्लोट बस्टर है, ठीक है। किन पेशेंट्स को देते हो आप ये, जिनको जिनका मायोकार्ड जिनको मायोकार्डियो कार्डियल इन्फ्रैक्शन से उन्होंने सफर किया हो या हार्ट अटैक से सफर किया हो, इसका मतलब इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा हार्ट तक, तो इसका मतलब डिपोजिशन है, और उस डिपोजिशन को हटाने के लिए या क्लोट को हटाने के लिए आप स्ट्रेप्टोकाइनेस दोगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास सही है, ये स्टेटमेंट भी आपके पास सही है, सारी स्टेटमेंट आपके पास सही है, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। बहुत बढ़िया, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, अ गुड प्रोड्यूसर ऑफ सिट्रिक एसिड। आपने देखा एस्परजिलस नाइगर, किसका नाम पढ़ा था हमने, एस्परजिलस नाइगर फंगस जो सिट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड आ गया आपके पास। आगे चले क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। क्या कह रहे हैं आप, 20 का ए, ए क्यों, ए क्यों, ए क्यों, क्योंकि क्या कह रहे हैं आप, ईस्ट है मोनेस्कस, बेटा ईस्ट क्या है, फंगस ही तो है, एस्कोमाइसिटिस की क्लास है संदीप, फंगस में ही तो ईस्ट आता है, फंगस में आप फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस पढ़ते हो, उसमें एस्कोमाइसिटिस ईस्ट इसके अंदर ही आ रहा है, कोई अलग क्लास नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कुछ गलती नहीं है, है ना, एक ही बात होती है बेटा, एक ही बात होती है, ईस्ट एक तरीके का फंगस ही तो है, आपकी किंगडम तो फंजाई आ जाएगी ना, उसके अंदर आ रहा है ईस्ट, तो कोई गलत स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, ऐसी गलती करोगे यार तुम लोग, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11th में नहीं पढ़ा हमने, ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं कि मैम ईस्ट होता है फंगस नहीं होता है, ये तो नहीं करना है बिल्कुल भी, ये कहां से आ गया, आपका ईस्ट क्या है, एस्कोमाइसिटिस, यूनिसेलुलर फंगस, किंगडम फंजाई में ही आता है, ये गलती नहीं करनी है बेटा, बिल्कुल भी नहीं करनी है ऐसी गलती, नीट के पास तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड बनाता है, नाम से याद रखना है, एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड बनाता है, एंटीबायोटिक नहीं। मिथेनोबैक्टीरियम मिथेन गैस बनाएगा, वो मिथेनोजन है, वो मिथेन गैस बनाएगा, लैक्टिक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड कौन बनाता है, LAB लैक्टोबैसिलस बनाता है ना। आगे देखो पेनिसिलियम नोटेटम एसिटिक एसिड बनाएगा, एसिटोबैक्टर एसिटी एसिटिक एसिड बनाता है, पेनिसिलियम नोटेटम से तो पेनिसिलिन बनती है, उससे तो पेनिसिलिन बनती है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इथेनॉल बनाता है, बिल्कुल बनाता है, एल्कोहल बनाता है, इसीलिए इसको ब्रूअर यीस्ट बोलते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, रॉन्ग मैच बताने आपको, देखो जरा, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम को किससे मैच करेंगे, अच्छा आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत मैच है, ठीक है। तो वो साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है और वो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है।
मोनास्कस परप्यूरियस से स्टैटिन मिलता है, वो एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो ये कितनी बार मुझे लग रहा है फोर्थ टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और ये दोनों बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रही हूँ मैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक भी है याद, अगर आपको ये दोनों याद हो रहे हैं ना तो बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं याद होते मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। वैसे ट्रिक्स पे हमको नहीं जाना चाहिए, मल्टीपल रिविजन से हो जाना चाहिए, बट मैं एक लिखवा देती हूँ क्योंकि हम बहुत बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा। मोना स्टार्टेड लर्निंग, जो भी कंफ्यूज हो जाता है उसके लिए ट्राई साइकिल इमीडिएटली इमीडिएटली। अब आप खुद देख लो, खुद देख लो। मोनास्कस परप्यूरियस से स्टैटिन मिलेगा, वो ब्लड कोलेस्ट्रोल लोअर करने का काम करता है, तो एल। ट्राइकोडर्मा से साइक्लोस्पोरिन मिलेगा और वो इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है। तो ये ट्रिक है, अगर आपकी हेल्प कर दे तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है। फिर देखो स्ट्रेप्टोकोकस किससे मिलेगा आपको, स्ट्रेप्टोकोकस से क्या मिलेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस, वो क्लोट बस्टर का काम कर रहे हैं। तीनों स्टेटमेंट सही है। क्लोस्ट्राइडियम एसिटोब्यूटाइलिकम से लाइपेज मिलेगा, जो ऑयल स्टेन रिमूव करने का काम करता है। बेटा लाइपेज ऑयल स्टेन रिमूव करने का काम करता है, ये स्टेटमेंट सही है, बट लाइपेज एसिटोब्यूटाइलिकम से नहीं मिलता, एसिटोब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड मिलता है आपको, ब्यूटायरिक एसिड मिलता है, लाइपेज नहीं मिलता, तो ये आपके पास इनकरेक्ट मैच हो जाएगा, ये हमारे पास इनकरेक्ट मैच हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे मार्क कर देते हैं, ये हमारे पास इनकरेक्ट मैच हो जाएगा, ठीक है। आंसर होगा डी। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24, मैच करना है कॉलम वन को कॉलम टू से। देख लो यहाँ पे सिट्रिक एसिड आ रहा है आपके पास, तो सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से मिलता है, अभी देखा हमने। साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा से मिलता है, स्टैटिन हमें मोनेस्कस से मिलता है, ब्यूटायरिक एसिड हमें क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटायरिकम से मिलता है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, वन का थ्री है, टू का वन है, आंसर ए हो जाएगा बेटा, आंसर ए हो जाएगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, आपको मैच करना है माइक्रोब्स और उनकी इंपॉर्टेंस से। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एल्कोहल बनाना, कई बार हम इसको मैच कर चुके हैं इससे, ठीक है। फिर से आपके पास मोनास्कस परप्यूरियस आ रहे हैं, मोनास्कस परप्यूरियस से आपको स्टैटिन मिलता है, स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने का काम करता है, ये रहा मैच कर देते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से आपको साइक्लोस्पोरिन मिलता है और वो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। प्रोपनियो बैक्टीरियम शर्मानी से स्विस चीज किसका फर्मेंटेशन करता है, ये स्विस चीज मिलता है आपको। तो देखिए जरा, वन का थ्री, बी का फोर, आंसर हो जाएगा आपके पास बेटा डी। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा आपके पास डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग हमें करना है। इनमें से कितने स्टेटमेंट नॉट इनकरेक्ट है, यानी फिर से आपको क्या बताना है, करेक्ट। सिली मिस्टेक क्वेश्चन रीड करते टाइम मत करना बेटा, क्वेश्चन ढंग से रीड करना है ना। नोट इनकरेक्ट मतलब आपको करेक्ट बताना है। अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ह्यूमन एक्सक्रीटा मेजर पार्ट बनाता है आपके वेस्ट प्रोडक्ट का। द म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज विच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स मेनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। डायरेक्ट स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन आपके सीवेज में इनऑर्गेनिक मैटर नहीं ऑर्गेनिक मैटर होता है। देखो कितनी छोटी सी चीज है जो गलत लिखी हुई है, इनऑर्गेनिक मैटर नहीं ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट नॉन पोल्यूटिंग, ये स्टेटमेंट सही है। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय एरोबिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, एरोबिक माइक्रोब्स जो फ्लोक बनाते हैं वही ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास सही है। तो करेक्ट आपके पास तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी। ये करेक्ट नहीं है बेटा, क्योंकि इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक मैटर, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज कैरिड आउट इन थ्री स्टेजेस, प्राइमरी सेकेंडरी एंड बायोलॉजिकल। यही गलत हो गया, आपको पता है दो स्टेजेस होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी को ही बायोलॉजिकल बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्राइमरी ट्रीटमेंट बेसिकली इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम सीवेज थ्रू सेडिमेंटेशन देन फिल्ट्रेशन। बहुत बढ़िया से पूरा प्रोसेस आप रिवाइज कर लोगे। पहला ट्रीटमेंट प्राइमरी फिजिकल होता है, सही बात है, उसमें दोनों चीजें होती हैं, सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन, सही बात है, पर सीक्वेंस बेटा पहले सेडिमेंटेशन देन फिल्ट्रेशन नहीं होता, पहले फिल्ट्रेशन होता है फिर सेडिमेंटेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी चीज पर गलती की हुई है जिसको आपको लगेगा सही स्टेटमेंट है, बट वो है नहीं, पहले फिल्ट्रेशन करते हैं फिर सेडिमेंटेशन करते हैं, पहले सेडिमेंटेशन नहीं करते, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम प्राइमरी स्लज
एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म द एफ्लुएंट, बिल्कुल जो नीचे आ जाएगा वो स्लज है, जो ऊपर रह जाएगा वो एफ्लुएंट है, बिल्कुल सही बात है. द स्लज फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट. गलत बेटा, स्लज को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, एफ्लुएंट को आगे लेके जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए. स्लज को नहीं लेके जाते, एफ्लुएंट को लेके जाते हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत है. करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास सी हो जाएगी. बिल्कुल, एक ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, सी. बहुत बढ़िया. आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. गलत बताना, इनकरेक्ट बताना है आपको. प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक दैट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड. एयर पंप हो रही है उसके अंदर, एरोबिक माइक्रोब ग्रो कर रहे हैं, सही बात. जो फ्लॉक बन रहे हैं, दे आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट मेश लाइक स्ट्रक्चर, सही बात है. While growing, microbes consume major part of organic matter in the effluent. This significantly elevates the BOD. आपके माइक्रोब क्या करेंगे? जो ऑर्गेनिक मैटर है सबको खा जाएंगे. और अब वो ऑर्गेनिक मैटर जब खा चुके हैं बेटा, तो अब ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है. उसके बाद बीओडी कम होता है, एलिवेट नहीं होता. रीड करेंगे अगर आप एनसीईआरटी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद, डाइजेशन हो जाने के बाद, अब बीओडी रिड्यूज होता है, एलिवेट नहीं होता, डिक्रीज होता है. डिक्रीज होता है, ये स्टेटमेंट गलत है. बीओडी क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए इन 1 लीटर ऑफ वाटर बाय बैक्टीरिया. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. बीओडी आप कैसे मेजर करते हो? कितना ऑक्सीजन यूज कर रहा है बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए इन 1 लीटर ऑफ वाटर. तो एक ही स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट है, वो ये. क्यों? क्योंकि डाइजेशन के बाद बीओडी कम होता है, इंक्रीज नहीं होता है ना. आगे देखो 29. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फिर से रॉन्ग बताना है आपको. बीओडी आप कैसे मेजर करते हो? आप कैसे मेजर करते हो? आप ऑक्सीजन अपटेक देखते हो बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यही तरीका है, आप देखते हो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया, सही बात है. BOD is direct measure of the organic matter present in water. नहीं बेटा, direct measure कैसे होगा? किसी भी चीज का direct measure तो ये होता है कि आप गिनो, आप amount देखो सीधा सीधा organic matter की. But हम क्या करते हैं? हम BOD देखते हैं. अगर हमें पता है BOD ज्यादा है, इसका मतलब organic matter ज्यादा रहा होगा, अभी तक bacteria ने digest नहीं किया. अगर BOD कम है, इसका मतलब organic matter digest हो चुका है. तो हम तो अंदाजा लगाते हैं ना. ये indirect method है, ये indirect method है. हम क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो हम कैलकुलेट ऐसे कर लेते हैं, पर ये डायरेक्ट मेथड नहीं है ऑर्गेनिक मैटर का कैलकुलेट करने का, इनडायरेक्ट मेथड है. ठीक है. अच्छा, जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा. बिल्कुल, बीओडी है, डिमांड है, इसका मतलब पोल्यूशन है, तभी बीओडी ज्यादा. बिल्कुल सही बात है. एक बार बीओडी सीवेज या वेस्ट वाटर का अगर रिड्यूस हो जाए, कम हो जाता है, फिर आप उस एफ्लुएंट को सेटलिंग टैंक में लेके जाते हो जहां पर बैक्टीरिया के फ्लॉक्स सेडिमेंट हो जाते हैं, वही आपका एक्टिवेटेड स्लज बनाते हैं. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. तो एक ही स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है, वो है बी, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेजर है. वेरी नाइस. आगे देखो 30. द गैसेस विच इवॉल्व फ्रॉम एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर. एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर से बायोगैस आती है. बायोगैस में कौन कौन सी गैसेस है? मिथेन है बेटा, CO2 है और H2S है. याद रखना, अगर मिथेनोबैक्टीरियम से बायोगैस बनती है तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? मीथेन है, CO2 है और H2 है. वो H2S नहीं लिखती. लेकिन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में जब बायोगैस बनती है तो H2S बनता है. तो अब देख लो ऑप्शन जरा. मीथेन है, CO2 है, H2S. आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? लास्ट ऑप्शन में मिल रहा है ना. मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड. आंसर होगा डी. बहुत बढ़िया. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फिर से आपको रॉन्ग बताना है. सेटलिंग टैंक में जो सेडिमेंट हो चुका है बैक्टीरिया, वही आपका एक्टिवेटेड स्लज है. बिल्कुल, क्योंकि उसमें सारे एरोबिक बैक्टीरिया है. इस एक्टिवेटेड स्लज का एक स्मॉल पार्ट आप वापस पंप करते हो इनटू एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर एज इनोक्यूलम. स्टेटमेंट गलत है बेटा. आप छोटा सा हिस्सा लेते जरूर हो इस एक्टिवेटेड स्लज का, उसको एरेशन टैंक में डालते हो इनोक्यूलम की तरह, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में नहीं. एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में तो पूरा डाइजेस्ट करने के लिए डाला जाता है. इनोक्यूलम की तरह आप उसको कहाँ पंप करते हो? एरेशन टैंक में. ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है. एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में जो बैक्टीरिया है वो एनएरोबिकली सारी बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करेंगे. बिल्कुल सही बात है. बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट करेंगे, बिल्कुल सही बात है. यहीं पर बायोगैस बनती है. और वो जो बायोगैस बनती है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज इनफ्लेमेबल. बिल्कुल सही बात है. एक एक लाइन, मुझे लग रहा है पूरे चैप्टर की एक एक लाइन हमने रीड कर ली है. तो यही स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप एरेशन टैंक में उसको वापस भेजते हो, स्लज डाइजेस्टर में नहीं. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32. फिर से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे. द एफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम. जो एफ्लुएंट है उसको तो आप भेज देते हो रिवर्स में, बिल्कुल सही.
माइक्रोब प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब. दिस मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर मोर देन अ डिकेड नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो सीवेज ट्रीटमेंट आपने पढ़ा, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है बेटा, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये मेथड सीवेज ट्रीटमेंट का 10 साल, डिकेड से ज्यादा हो चुका है बेटा. इस ट्रीटमेंट को करते हुए 100 साल, सेंचुरी हो चुकी है, ठीक है, डिकेड नहीं, हमें सेंचुरी से ज्यादा हो चुका है इस ट्रीटमेंट से वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हुए. और आज तक और कोई टेक्नोलॉजी हम नहीं बना पाए जो इसके सामने खड़ी हो पाए. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया था रिवर्स को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए. ये स्टेटमेंट भी सही है. पूरा सीवेज ट्रीटमेंट वाला आपने पैराग्राफ एक एक लाइन एनसीईआरटी की रिवाइज कर ली. जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपके पास ये है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि डेकेड नहीं, सेंचुरी, सेंचुरी से हम लोग ये ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं ना. हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास. नेक्स्ट देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर रिमूव. प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट को कहते हैं. इसमें कुछ भी डिजोल्व नहीं जा सकता, गैसेस या पैथोजन नहीं रिमूव होते, इसमें स्टेबल पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे क्योंकि वो सेडिमेंट कर जाएंगे. आप फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करोगे तो वो स्टेबल है तो सेडिमेंट कर जाएंगे, आप उसको रिमूव कर पाओगे, बी आ जाएगा. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड. अब सस्पेंडेड सॉलिड है तो उसको आप फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो, तो या प्राइमरी ट्रीटमेंट में अलग करोगे. किस में ट्रीटमेंट, किस कौन से ट्रीटमेंट में अलग करेंगे हम इसको, प्राइमरी ट्रीटमेंट में अलग करेंगे. ये भी प्राइमरी ट्रीटमेंट में अलग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी. आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 35. सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली अ प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसे फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है उसे बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके माइक्रोब्स इसमें काम करते हैं और माइक्रोब लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलते हो? बायोलॉजिकल प्रोसेस. आंसर हो जाएगा सी. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट देखो, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज. आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आपने अभी 2-3 बार डेफिनेशन देखा कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा. आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि बैक्टीरिया कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे 1 लीटर पानी का सारा ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट करने के लिए, तो आप ऑक्सीजन कंजम्पशन से इसको कैलकुलेट करते हो. आंसर हो जाएगा डी बेटा. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 37. द हाई वैल्यू ऑफ बीओडी, ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा. बीओडी ज्यादा मतलब पोल्यूशन ज्यादा, इसको रट लेना है बेटा, बहुत अच्छे से हमको रट लेना है. थैंक यू आयशा, आप इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना कि बीओडी ज्यादा तो पोल्यूशन ज्यादा, तो पोल्यूशन ज्यादा. तो अब बीओडी ज्यादा है तो वाटर हाईली पोल्यूटेड है, बीओडी ज्यादा है तो वाटर हाईली पोल्यूटेड है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 38. इफ द एक्टिवेटेड स्लज फ्लोक्स डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन सप्लाई. एक्टिवेटेड स्लज आपके वो बैक्टीरिया थे जिन्होंने एरेशन टैंक के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल का डाइजेशन करना था, और ये एरोबिक बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? आपको ये पता होना कि एक्टिवेटेड स्लज में सारे एरोबिक बैक्टीरिया है, और एरोबिक बैक्टीरिया को तो ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, बिल्कुल चाहिए. आप कह रहे हो आप उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं दोगे तो बेटा वो मर जाएंगे. वो है ही एरोबिक बैक्टीरिया, बिना ऑक्सीजन के जब वो काम ही नहीं कर सकते, आप उन्हें ऑक्सीजन नहीं दोगे तो कुछ काम नहीं होगा. तो क्या कभी भी ट्रीटमेंट का रेट इंक्रीज होगा? नहीं. इंक्रीज वाले सारे ऑप्शन हटा दो. क्या प्रोटोजोआ नंबर में ग्रो करेगा? पहली बात, वहां प्रोटोजोआ है ही नहीं, बैक्टीरिया और फंगस का मिक्सचर है, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. क्या होगा? ऑक्सीजन ना होने की वजह से एनोक्सिक कंडीशन होगी, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी और ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, ट्रीटमेंट वहीं रुक जाएगा. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. ये वाला आंसर हो जाएगा आपके पास बी. थैंक यू अनन्या, आंसर हो जाएगा बी. आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 30. मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन. अब आपका बायोगैस वाला टॉपिक एनसीईआरटी का शुरू हो गया. हमने सीवेज ट्रीटमेंट भी कर लिया, अब बायोगैस शुरू हो गया. बायोगैस बनाने में कौन से बैक्टीरिया मदद करते हैं? एनएरोबिक बैक्टीरिया. आपने क्या नाम देखा है? मिथेनो बैक्टीरियम, क्योंकि वो मिथेन बनाते हैं. अब ये जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, एनसीईआरटी क्या लिखती है? गोबर गैस प्लांट के लिए आप इसको यूज करते हो तो उसमें तो ये है, आपको नॉट प्रेजेंट बताना है, ठीक है. कैटल्स और रूमिनेंट्स की स्टमक में ये मिलता है, सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है. पैडी फील्ड्स में भी मिलेगा, बिल्कुल सही बात है. एक्टिवेटेड स्लज में बैक्टीरिया कभी नहीं मिल सकता, क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्टिवेटेड स्लज में एरोबिक बैक्टीरियाज मिलते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया मिलते हैं, और मिथेन बनाने वाला बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनएरोब है, ये एनएरोबिक बैक्टीरिया है, ये एरोबिक कंडीशन में रह ही नहीं सकता. तो आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी. आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 40. एक्टिवेटेड स्लज शुड सेटल क्विकली. सो एक्टिवेटेड स्लज, एक बार आपका एरेशन टैंक में डाइजेशन हो जाता है, फिर आप उसको सेटल करते हो, उस एक्टिवेटेड स्लज को. क्यों उस एक्टिवेटेड स्लज को सेटल करना होता है?
ताकि आप उसको रैपिडली पंप कर सको फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एरेशन टैंक. हम इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि हम ये करते हैं. आप उसे वापस लेकर जाते हो एरेशन टैंक में, ठीक है. अच्छा, क्या उसके सेटल करने से पैथोजेनिक बैक्टीरिया एब्जॉर्ब होगा? ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा है एनसीईआरटी में, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा है. गुड आफ्टरनून बच्चे. क्या उनको हमें एनएरोबिकली डाइजेस्ट करवाना है? हमें उनको एनएरोबिकली डाइजेस्ट करवाना है, पर क्या इसके लिए आपको उनको जल्दी सेटल करवाना है या नहीं, ये देखते हैं. इनऑर्गेनिक मैटर अब्जॉर्ब करवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा. आप एक्टिवेटेड स्लज को सेटल इसलिए करते हो ताकि आप उसका कुछ टुकड़ा जल्दी एरेशन टैंक में वापस लेके जा सको. दिस कैन वेट, दिस कैन वेट, लेकिन क्विक काम आपको इसीलिए कराना है ताकि एरेशन टैंक में कमी ना हो जाए. वापस वहां पर इनोक्यूलम भेजना है, उधर वो प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए. तो स्लज को सेटल करना क्विकली ज्यादा जरूरी इसलिए है ताकि आप उसका कुछ टुकड़ा इनोक्यूलम की तरह वापस भेज सको और प्रोसेस रुके ना, ये ज्यादा जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है. थैंक यू बच्चे, थैंक यू. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41. द स्लज जनरेटेड बाय वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वही एक्टिवेटेड स्लज की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें क्या है? सारे एरोबिक बैक्टीरिया है जिन्हें आप क्या बोलते हो, फ्लॉक. आंसर होगा बी. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मार्क करो इसको, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था. आपको इसमें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक कि ये जो स्लज होता है ये एक्टिवेटेड स्लज होता है, और एक्टिवेटेड स्लज जब एरेशन टैंक में डाइजेशन कर रहा होता है उन्हीं में, उन्हीं को आप फ्लॉक बोलते हो, जो मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उसी को आप फ्लॉक बोलते हो. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्लॉक, है ना. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर? एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर भी बायोगैस बनाता है. इसमें मीथेन बनती है ना, इसमें मीथेन बनती है, CO2 बनता है और H2S बनता है. तो देख लो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43. ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट बायोगैसेस आर प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूड? फिर से आ गया बायोगैस सीवेज ट्रीटमेंट, सेम क्वेश्चन लेकिन पूछने के तरीके अलग. यहां पर इन्होंने क्या बोल दिया, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, वो भी बायोगैस बनाता है. इधर इन्होंने आपको सीधा बोल दिया सीवेज ट्रीटमेंट का बायोगैस. तो क्या क्या है आपके पास, मिथेन है, CO2 है, H2S है. आंसर हो जाएगा बी. आपको सेम क्वेश्चन पूछने के तरीके बताए जा रहे हैं, है ना. आंसर हो जाएगा बी. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44. द प्रिडोमिनेंट गैस इन बायोगैस. फिर से बेटा बायोगैस में आपके पास मिथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, H2 भी है, लेकिन सबसे प्रिडोमिनेंट मिथेन है. तभी तो बायोगैस बनाने वाले बैक्टीरिया को मिथेनो बैक्टीरियम कहते हैं, तभी तो इन्हें मिथेनोजेंस या मिथेनो बैक्टीरियम हम कह रहे हैं. क्यों? क्योंकि मेजर गैस उसके अंदर मिथेन होती है. आंसर हो जाएगा ए. आंसर हो जाएगा ए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस? गलत बताना, इनकरेक्ट बताना, करेक्ट नहीं बताना. द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन माइक्रोब एंड द ऑर्गेनिक सब्सट्रेट दे यूटिलाइज. सही बात है, कौन सा माइक्रोब है और कौन सा ऑर्गेनिक मैटर वो खा रहा है उसके बेसिस पर अलग अलग गैस बनेंगी, ठीक है. सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एन एरोबिकली ऑन सेल्यूलोज मटीरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन अलोंग विद CO2 एंड N2. गलत बेटा, एन एरोबिक बैक्टीरिया सही बात है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर रहे हैं सही बात है, पर गैसेस कौन कौन सी हैं? मिथेन, CO2, H2, नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. आंसर तो आपको यही मिल गया, पर बाकी ऑप्शन भी हम एक बार रीड कर लेते हैं. मिथेनोजेंस एन एरोबिक स्लज में आपको मिलेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम. इसका एक एग्जाम्पल मिथेनो बैक्टीरियम है, बिल्कुल. मिथेनोजेंस कैटल की र्यूमेन में मिलते हैं, सेल्यूलोज को ब्रेक करने में मदद करते हैं, उनके न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है, बिल्कुल. तभी हम उनको बायोगैस बनाने के लिए यूज कर लेते हैं. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. बहुत बढ़िया. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46. द डेप्थ ऑफ कंक्रीट टैंक ऑफ बायोगैस प्लांट इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड. आप जो बायोगैस प्लांट बनाते हैं उसके अंदर सबसे पहले एक बहुत बड़ा गड्ढा किया जाता है जिसमें आप गोबर और वाटर स्लरी बनाकर फीड करते हो और वेस्ट उसके अंदर डालते हो. वो जो आप पिट बनाते हो वो कितनी गहरी होती है, कितनी डेप्थ होती है उसकी बेटा? 10 to 15 feet. देखो कितने पास पास के ऑप्शन थे, 10 to 12 feet भी दे रखा था, तो आपको एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर पता होना चाहिए. 10 to 15 feet, उतना गहरा आप बनाते हो. थैंक यू बेटा, थैंक यू. आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 47. अब मुझे लगता है वैसे अगर एनसीईआरटी रीड करने में कोई एक दो वर्ड भी आपसे मिस हुआ होगा ना, तो इस लेक्चर के बाद वो वर्ड भी रिवाइज हो जाएगा. तो बहुत बढ़िया तरीका है एनसीईआरटी रिवाइज करने का, क्योंकि थ्योरी पढ़ते पढ़ते वक्त हम कुछ पॉइंट्स मिस कर देते हैं, लेकिन जब ऐसे आता है ना कि स्टेटमेंट्स में से चूज करो तो एक एक वर्ड देखना पड़ता है और जहां हमने गलती की होती है वो पकड़ा जाता है ना. फटाफट से इस क्वेश्चन का फायदा उठाओ और एक एक स्टेटमेंट को रीड कर कर हमको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है. इनकरेक्ट देखें यहाँ पे, गोबर गैस एक स्पेशल टाइप की बायोगैस है जो कि डंग ऑफ कैटल यानी गोबर से ही बनती है. सही बात है.
A floating cover is placed over the slurry, which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity. एक आप इस तरीके से floating cover रखते हो ताकि जब gases बने तो वो ऊपर उठ सके, सही बात है. A typical biogas plant के दो outlets होते हैं, एक जहाँ से biogas बाहर आ रही है जो फिर आप nearby houses में use करोगे, और दूसरी जो बचा हुआ सब्सटेंस रह जाता है स्लज, जिसको फर्टिलाइजर या मैन्योर की तरह यूज करते हैं. डायग्राम याद है एनसीईआरटी वाला, गैसेस तो रिलीज हो जाती है जो बायोगैस की तरह यूज कर लेते हैं, और बाकी बचा हुआ हिस्सा स्पेंट हिस्सा स्लज की तरह जो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होता है. जो टेक्नोलॉजी बायोगैस प्रोडक्शन की है इंडिया में वो किसने डेवलप करी, IARI KVIC, बिल्कुल सही और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये IARI और KVIC पे क्वेश्चन आया भी हुआ है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये दो मेजर आपके पास इंस्टीट्यूशंस आ गए थे जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद किया, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज, गांवों में ज्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि एक तो वहां आपको कैटल डंग ज्यादा मिलेगा और जो बायोगैस बनेगी उसको आप कुकिंग और लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हो, सही बात है. तो आपके पास, आपसे क्या पूछा था, करेक्ट या इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा था, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी. सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा डी. PDF आपको मिल जाएगा t.me/anandmani001, उस पर ज्वाइन कर लो, PDF आपको क्लास के बाद ही मिल जाएगा तुरंत, स्ट्रैटेजिस्ट का भी माइक्रोब्स का भी एक साथ. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48. IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या फुल फॉर्म है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दोनों की फुल फॉर्म्स, और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म्स याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. आगे देखो 41 में क्या दिक्कत है, 41 में क्या दिक्कत है, ए ही तो है, अच्छा 41 स्लज बेटा, स्लज एक्टिवेटेड स्लज है आपसे पूछ रहे हैं. अच्छा, द स्लज जनरेटेड बाय वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज ट्रीटेड बाय, सही 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 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही कह रहे हैं आप. जो एक्टिवेटेड स्लज आपने बनाया वो फ्लोक है, उसको आगे ट्रीट कौन करता है, एन एरोबिक डाइजेस्टर्स ट्रीट करते हैं, सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, इसको करेक्ट कर लो बेटा, आंसर हो जाएगा ए, वेरी नाइस. किसने बताया था, किसने बताया था इसको, अच्छा नाम भी एक तो आप लोगों के, पर एनीवे बिल्कुल सही बेटा. अगर देखो अब इस क्वेश्चन के दो तरीके से आपको सॉल्व करने के समझ में आ गया, ये जो स्लज है ये है क्या, ये वही फ्लॉक थी, लेकिन इसको डाइजेस्ट कौन करते हैं, एनएरोबिक डाइजेस्टर्स, बिल्कुल सही बात, वेरी राइट, बहुत बढ़िया, थैंक यू. आगे देखो क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पर थे, अच्छा 49 में KVIC के फुल फॉर्म बताओ, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये हो जाएगा आपके पास आंसर ए. ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50, अच्छा डायग्राम आ गया, डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट बायोगैस प्लांट का आपके पास. एक तरफ आप स्लरी फिल करते हो जिसमें आप डंग और वाटर मिक्स करते हो, फिर आप वेस्ट डालते हो, वेस्ट का डाइजेशन होता है यहाँ पे, ये डाइजेस्टर है आपका जिसमें डाइजेशन होगा, ये आपका व्हाट डू यू कॉल इट, गैस होल्डर है, गैस होल्डर है, गैस बनेगी यहीं से बाहर आएगी, और ये बचा हुआ स्लज है जो फर्टिलाइजर की तरह यूज होगा. तो ये हमने लेबलिंग कर ली, अब जरा ऑप्शन देखो, तो ए आपके पास स्लज है, बी डाइजेस्टर है, सी गैस होल्डर है, डी स्लरी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, बिल्कुल 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 बेटा बिल्कुल, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और यहां पर भी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज, ये बात फिर से आ गई. एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, बायोगैस बनाते हैं, बायोगैस को और किस नाम से जानते हैं, मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं, बायोगैस को और किस नाम से जानते हैं, मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं, आंसर होगा ऑप्शन सी, कर लिया बेटा उसको करेक्ट कर लिया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, है ना. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिथेनोजन इज नॉट करेक्ट, फिर से आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, वो मिथेन गैस बनाते हैं, सही बात है, बायोगैस बनती है, सही बात है, ये आपको र्यूमेन ऑफ कैटल और उनके एक्सक्रीटा में भी मिलेंगे, सही बात है, ये एयर एरोबिकली ग्रो करते हैं, बिल्कुल गलत बात है बेटा, ये एन एरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, एरोबिकली नहीं, मिथेन बनाने वाले बैक्टीरिया मिथेनोजेंस एरोबिक कंडीशन में नहीं, एन एरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53, आपको इस बार करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, एक्टिवेटेड स्लज
जब सेडिमेंट करता है सेटलमेंट टैंक में ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं, इन्हीं आप लोग आपके एरोबिक बैक्टीरिया हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मिथेनोबैक्टीरियम एरोबिक बैक्टीरिया है, गलत, एनएरोबिक है, अभी आपने देखा, याद रखना, बायोगैस बनाने वाला बैक्टीरिया एनएरोबिक है। बायोगैस एरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी से बनती है, नहीं, एनएरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी से बनती है। बायोगैस को गोबर गैस भी बोलते हैं, मार्श गैस भी बोलते हैं, इसमें प्योर मिथेन है, नहीं, इसमें मिथेन के साथ साथ CO2 भी है और H2 भी है। तो आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट एक ही आ रहा है, विच इज ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54, द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। अगर आप बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज कर पेस्ट और इंसेक्ट से, पेस्ट और पैथोजन से प्लांट को बचा रहे हो, इसको आप क्या बोलते हो? बायो कंट्रोल। इसको हम क्या बोलते हो? बायो कंट्रोल बोलते हैं। बायो कंट्रोल वाले टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर से हमको इनकरेक्ट बताना है, स्टेटमेंट्स आने वाली है, बहुत ढंग से रीड करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर में देर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन रैदर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल। एग्रीकल्चर में पेस्ट कंट्रोल करने का एक तरीका है जो नेचुरल प्रिडेशन पर बेस्ड है, केमिकल्स पर बेस्ड नहीं है, बिल्कुल है। ऑर्गेनिक फार्मर्स इस चीज में मानते हैं कि बायोडायवर्सिटी से ही हेल्थ बढ़ेगा इकोसिस्टम का, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। जो कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड थे जो पहले यूज किए जाते थे, उनमें केमिकल मेथड्स को रेयरली यूज किया जाता था यूजफुल और हार्मफुल लाइफ फॉर्म को किल करने के लिए। बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। कन्वेंशनल मतलब जो पुराना चलता आ रहा हुआ मेथड है, तो पहले जो फार्मर्स यूज करते थे वो काफी ऑफन, रेयर नहीं, काफी ऑफन बहुत ज्यादा केमिकल मेथड्स को यूज करते थे, वो तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट आपकी प्रमोट हो रही है, जिसके बाद आप फंगिसाइड या केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज कम कर रहे हो, पर पहले तो ये बहुत ज्यादा यूज होते थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड्स द व्यू दैट इरेडिकेशन ऑफ क्रिएचर दैट आर ओपन डिस्क्राइब एज पेस्ट इज नॉट ओनली पॉसिबल बट ऑल्सो अनडिजायरेबल। अब ऑर्गेनिक फार्मर हमें बताते हैं कि हमें कोई इरेडिकेशन नहीं करना चाहिए सब पेस्ट का, ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल नहीं है, दूसरा अच्छा भी नहीं है, ये आपके एनवायरमेंट के लिए अच्छा भी नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कितना स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? एक ही इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो कितने बढ़िया तरीके से सारे स्टेटमेंट आपने रीड कर लिया एनसीईआरटी के दोबारा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56, इन अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब के टाइम में जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं वो एक चेक बैलेंस का सिस्टम बना के रखना चाहते हैं, जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म्स एक इकोसिस्टम मैनेजेबल लेवल पर रहे, है ना। तो इसके अंदर वो क्या चाहते हैं? द इंसेक्ट्स दैट आर समटाइम पेस्ट आर कंप्लीटली इरेडिकेट। वो इरेडिकेट करना नहीं चाहते बेटा, इंसेक्ट्स इरेडिकेशन, इरेडिकेशन नहीं चाहते, एक्सटिंक्शन नहीं चाहते। व्हेन पेस्ट आर बियॉन्ड मैनेजेबल कंप्लीटली इरेडिकेटेड, फिर से नहीं, इरेडिकेशन नहीं करना, इरेडिकेट नहीं करना, मैनेज करना है, खत्म नहीं करना, एक बेसिक लेवल पर मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड बट दे आर केप्ट एट अ मैनेजेबल लेवल, आप उनको मैनेज करके रखते हो, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57, द बायो पेस्टिसाइड यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स। अब शुरुआत होती है बायो कंट्रोल में, तो पहला ही एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है कि एफिड से प्रोटेक्शन करने के लिए एक आप यूज करते हो ब्लैक और रेड मार्किंग वाली बीटल विच इज नोन एज लेडी बर्ड। तो नेचर में लेडी बर्ड इसका प्रीडेटर है, तो यू कैन यूज लेडी बर्ड अगर आपको एफिड से प्रोटेक्शन चाहिए तो, है ना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। बटरफ्लाई कैटरपिलर के लिए जो माइक्रोब आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो वो है बैसिलस थुरिंजिनेसिस। बीटी के ड्राई स्पोर्स बनाकर आप प्लांट पे छिड़क दो, जैसे कैटरपिलर उसको खाएगा उसके बॉडी के अंदर जाते ही इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, लेकिन प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। कौन सा माइक्रोब यूज करते हो? बटरफ्लाई कैटरपिलर के अगेंस्ट बैसिलस थुरिंजिनेसिस। एफिड्स के लिए लेडी बर्ड, एक और आपके पास दे रखा है मस्किटोस के लिए ड्रैगन फ्लाई। एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है मस्किटोस के लिए ड्रैगन फ्लाइस, ठीक है, इसके साथ ही दे रखा है, तो मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ, है ना, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई नहीं बेटा, ड्रैगन फ्लाई मस्किटो के लिए, मस्किटो के लिए, इसलिए बोथ ए एंड सी नहीं है यहाँ पे, ड्रैगन फ्लाई मस्किटो के लिए, लेडी बर्ड एफिड्स के लिए, है ना। आगे देखो बेसिलस थुरिंजिनेसिस, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, द बैक्टीरिया बेसिलस थुरिंजिनेसिस मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया उनको सुखा के उनके स्पोर्स बनाकर दिए जाते हैं, तो मार्केट में स्पोर्स के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60, फिर से हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है, तो अब हमें बहुत ढंग से रीड करने को मिलने वाला है, आपको फिर से इनकरेक्ट बताना है, तो एक एक स्टेटमेंट को रीड करते हैं।
पेस्ट का इरेडिकेशन करना अनडिजायरेबल है, हम ऐसा नहीं चाहते ऐसा हो, क्यों? क्योंकि उनके बिना क्या होगा, कुछ बेनिफिशियल प्रीडेटर्स की भी डेथ हो जाएगी, एंड पैरासिटिक इंसेक्ट विच डिपेंड्स अपॉन देम एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. तो कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं करना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज टू बिकम फमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म दैट इनहेबिट द फील्ड, है ना. बायोलॉजिकल अप्रोच में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सा लाइफ फॉर्म यहाँ रहता है, प्रीडेटर्स कौन है, कौन कौन से पेस्ट को वो खाएंगे, है ना, लाइफ साइकिल्स क्या है, फीडिंग पैटर्न क्या है, कौन से हैबिटेट में रहते हैं, ताकि सब लोग मिलकर एक मैनेजेबल लेवल पर हार्मनी में रह सकें. बिल्कुल सही बात है. इसलिए हम पूरी लाइफ साइकिल की अगर आप स्टडी करोगे, बायोडाइवर्सिटी भी बना पाओगे, बायो कंट्रोल भी कर पाओगे, केमिकल्स का भी यूज नहीं करना पड़ेगा. द वेरी फेमिलियर बीटल जिसमें रेड और ब्लैक मार्किंग है वो लेडी बर्ड है. बिल्कुल सही बात है, जो एफिड कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है. करेक्ट स्टेटमेंट. बीटी स्पोर्स को आप पानी में मिक्स कर कर स्प्रे करते हो, बिल्कुल सही बात है. प्लांट्स पर स्प्रे करते हो जैसे ब्रैसिकास और फ्रूट ट्रीज, जहां पर इनको इंसेक्ट का एडल्ट खाता है. नहीं बेटा, अभी आपने देखा बैसिलस थुरिंजिनेसिस को आप बटरफ्लाई के कैटरपिलर को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हो, बटरफ्लाई के कैटरपिलर से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हो. तो इंसेक्ट के एडल्ट नहीं, इंसेक्ट का लार्वा, आपको लार्वा से प्रोटेक्ट करना है ना अपनी 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 क्रॉप को. तो लार्वा आएगा, एडल्ट नहीं, ये आपके पास इनकरेक्ट है. देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक थी बस ये एडल्ट और लार्वा वाली, पर हम इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हमारे पकड़ में आ जाती है चीज, है ना. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन डी. आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 61. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्राइकोडर्मा. लास्ट पैराग्राफ, बायो कंट्रोल एजेंट्स में ट्राइकोडर्मा और बैक्टीरियोवायरस दो आपको दिए हुए हैं अभी, है ना. तो ट्राइकोडर्मा का आप यूज करते हो प्लांट डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए, बिल्कुल करते हो. ये एक फ्री लिविंग फंजाई है जो रूट इकोसिस्टम में मिलती है, बिल्कुल सही बात है. ये एस्कोमाइसिटीज डिवीजन को बिलोंग करती है एंड दे आर वेरी इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट्स फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन, ठीक है. तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या आपके पास सही है? ये एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग नहीं करती, बस ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाएगा. सेवरल पैथोजन ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सेवरल पैथोजन का मतलब होता है बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, कि बहुत सारे अलग अलग पैथोजन को किल कर सकती है, सही बात. फ्री लिविंग है, प्लांट डिसीज ट्रीट करिए, सही बात. बट ये एस्कोमाइसिटिस को बिलोंग नहीं करती ट्राइकोडर्मा, ये फंगस है जो ड्यूटीरोमाइसिटिस को बिलोंग करती है. ये कौन सी क्लास को बिलोंग करती है? ड्यूटीरोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस नहीं. एस्कोमाइसिटिस में कौन आती है? साइक्रोमाइसिस सेरेविसी, आपकी ईस्ट. तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट है मुझे बता दो. तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. बहुत बढ़िया. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62. फिर से आपको करेक्ट बताना है, इस बार बैक्यूलोवायरस के बारे में बताना है. ट्राइकोडर्मा के बाद जो दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रखा है वो बैक्यूलोवायरस का दे रखा है एनसीईआरटी में, है ना. अच्छा, बैक्यूलोवायरस पैथोजन होते हैं जो इंसेक्ट्स को अटैक करते हैं, आर्थ्रोपोड्स को अटैक करते हैं, सही बात है. बहुत सारे बैक्यूलोवायरस बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है. कौन सी फैमिली को बिलोंग करें? एनपीवी, न्यूक्लियोपोली हेट्रोवायरस. बिल्कुल सही बात है, ये याद रखना, एनपीवी इस पे क्वेश्चन आ सकता है. एनपीवी फैमिली को बिलोंग करते हैं न्यूक्लियोपोली हेट्रोवायरस. ये वायरस स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, सही बात. ट्राइकोडर्मा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बैक्यूलोवायरस स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम या नैरो स्पेक्ट्रम, याद रखना. ट्राइकोडर्मा ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत सारे पैथोजन को किल करता है, बट बैक्यूलोवायरस नैरो स्पेक्ट्रम स्पेसिफिक पैथोजन को किल करेगा, ठीक है. दे हैव बीन शोन टू हैव नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट, प्लांट को नुकसान नहीं होता. मैमल्स, बर्ड, फिश या नॉन टारगेट इंसेक्ट को कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल सही बात है. ये स्पेशली डिजायरेबल है जब बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व्ड टू एड इन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम और व्हेन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड. ऑफ कोर्स बेटा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पूरा इरेडिकेट हो जाए, आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना है, तब आप इनको प्रेफर करते हो और तब ये बेनिफिशियल भी है, क्योंकि ये उसी स्पेसिफिक इंसेक्ट को जाकर किल करेंगे, उसी स्पेसिफिक आर्थ्रोपोड को जाकर किल करेंगे और किसी को नहीं करेंगे. तो ये हेल्पफुल है, इनका नैरो स्पेक्ट्रम हेल्पफुल है. सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी गलती नहीं है. आपसे पूछ रहे हैं कितने करेक्ट हैं, तो पांचों के पांचों करेक्ट है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. बढ़िया क्वेश्चन है. पूरा बैक्यूलोवायरस का जितना भी पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा ना, सब रिवाइज हो गया इस क्वेश्चन में, एक एक पॉइंट रिवाइज हो गया. इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या याद रखना बेटा, जिसपे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास. एक ट्राइकोडर्मा याद रखना, कि ट्राइकोडर्मा आपके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम है. अगर ये किल करेगा तो ये मल्टीपल स्पीशीज को किल कर सकता है ना. लेकिन आपका जो बैक्यूलोवायरस है, जो एनपीवी फैमिली को बिलोंग कर रहा है, ये नैरो स्पेक्ट्रम है. ये इंपॉर्टेंट चीज है जिससे अलग मैच द फॉलोइंग भी बन सकता है कभी आपको क्रॉस करने को. तो ये नैरो स्पेक्ट्रम है, तो ये बहुत स्पेसिफिक होता है, ये बहुत स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, ये बहुत स्पीशीज स्पेसिफिक होता है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को सर्कल करो, एग्जाम्पल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिसीज यूजिंग माइक्रोब्स. बायो कंट्रोल की बात करें, इनमें से कौन सा बायो कंट्रोल नहीं है, ठीक है, यूजिंग माइक्रोब्स. लेडी बर्ड बीटल एफिड्स के लिए आप यूज करते हो, मस्टर्ड में करते हैं. बीटी कॉटन आप यूज करते हो बॉलवॉर्म से प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉटन बॉलवॉर्म या कॉर्न बोरर से प्रोटेक्ट करने के लिए, ईल्ड को बढ़ाने के लिए नहीं, ईल्ड को बढ़ाने के लिए नहीं, है ना. न्यूक्लियो पोलीहेड्रोवायरस वाइट रस्ट ऑफ ब्रेसिका, सही बात है. ट्राइकोडर्मा बहुत सारे प्लांट पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है, सही बात है. तो इनकरेक्ट हो गया ये. वैसे बेटा अगर आप इसको रीड करो, अब ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको मार्क कर रही हूँ, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है. आपसे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट नहीं है या उसका एग्जाम्पल नहीं है यूजिंग माइक्रोब्स. इनमें से कौन से में आप माइक्रोब यूज नहीं कर रहे. अब ये पहला ऑप्शन देखो, आप लेडीबर्ड बीटल यूज करते हो एफिड्स के लिए. लेडीबर्ड बीटल एक माइक्रोब नहीं है, वो खुद अपने आप में इंसेक्ट है. माइक्रोब क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये होते हैं. तो लेडीबर्ड बीटल एक माइक्रोब नहीं है, तो ये ऑप्शन भी एक तरीके से इनकरेक्ट है. ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. बीटी कॉटन में एटलीस्ट बीटी एक माइक्रोब तो है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस एक माइक्रोब है, हमें पता है बैक्टीरिया होता है वो. बीटल माइक्रोब नहीं होता, बीटल खुद एक इंसेक्ट है. लेकिन यहाँ जो इन्होंने इंक्रीज कॉटन यील्ड दे दिया, तो वो इंक्रीज नहीं कर रहा ना कॉटन यील्ड, वो प्रोटेक्शन दे रहा है आपको उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया बटरफ्लाई के लार्वा से, है ना, या कॉटन बॉलवर्म या कॉर्न बोरर से. तो इसलिए मैं आंसर बी मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पे. लेकिन अगर ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता और फिर इनकरेक्ट पूछा जाता, तो नेक्स्ट इनकरेक्ट आप इसको बोलते. तो थोड़ा सा अगेन वैसा वाला क्वेश्चन है, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है वो, जो वो हॉट्स होता था ना पहले, आप बुक सॉल्व करते थे लास्ट में एकदम हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ये वही है चिंटू क्वेश्चन. क्या बात है, तुम सच्ची आनंद सर के बच्चे, एकदम चिंटू क्वेश्चन ये लो, ये तुम्हारा चिंटू क्वेश्चन ही है. तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर आंसर हम बी मार्क करेंगे, बट ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकेंड इनकरेक्ट ए हो जाएगा, मोस्ट करेक्ट में मैं बी मार्क करूंगी, ठीक है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64, आ जाओ जरा, मैच तो फॉलोइंग आ रहा है हमारे पास, मैच कर लेते हैं इसको. लेडी बर्ड आपकी बीटल एफिड को किल करने के लिए यूज करते हो. माइकोराइजा ये बायो फर्टिलाइजर में आ गया, हाँ इनडायरेक्टली हो रहा है, आप बात सही कह रहे हो बेटा, इनडायरेक्टली तो इंक्रीज हो रहा है कॉटन का यील्ड, ठीक है. बट कॉटन यील्ड इंक्रीज करना, डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिखना मुझे नहीं लगता ये करेक्ट होगा, क्योंकि आपने अभी स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन पढ़ा, उसमें पूरी चीज इस चीज पर बेस्ड थी कि किसी भी प्लांट का अगर आपको यील्ड बढ़ाना है, तो आपके उसका जीन आप इस तरीके से मॉडिफाई करते हो, म्यूटेट करते हो, ताकि यील्ड बढ़े. बीटी कॉटन में जब आप जीन में छेड़खानी करते हो ना, आप कॉर्न बोरर से बचा रहे हो, आप यील्ड नहीं बचा रहे, यील्ड नहीं इंक्रीज कर रहे, वो कुछ वैसा वाला जीनोटाइप होता जैसा आपने स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में पढ़ा है. तो हम यहाँ पर इसको आंसर कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पर इसको आंसर कर रहे हैं. HUMBUG, एक तो नाम बहुत बढ़िया बढ़िया रखे होते हैं आप लोगों ने, पर आंसर इसमें बेटा मोस्ट करेक्ट बी ही जाएगा, है ना. नेक्स्ट मोस्ट करेक्ट में फिर मैं ए ले सकती हूँ, ठीक है. अच्छा आगे देखो, लेडी बर्ड से आप एफिड्स को किल कर रहे हो, माइक्रोराइज आपके पास बायो फर्टिलाइजर में आ गया, जो कि जिसका एक जीनस आपको बता रखा है ग्लोमस, बायोगैस मिथेनो बैक्टीरियम बनाएगा, और माइकोराइजा में ग्लोमस आएगा, और बायोलॉजिकल कंट्रोल में ट्राइकोडर्मा आ जाएगा. तो अब आंसर देख लो एक बार, ए का 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, और फिर 1 है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 65, पास्ट ईयर में क्वेश्चन नहीं था एलेक्स, लेट मी चेक वंस अगेन, ठीक है. अच्छा एक बार इसको मार्क कर लो तुम लोग, मैं इसको, वैसे बेटा इसमें मोस्ट करेक्ट बी ही जाना चाहिए. अब देखो अगेन, जिनको भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रहा है, मैं दोबारा बता दूं, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा. वैसे तो माइक्रोब ये नहीं है, अगर बी ऑप्शन आपके पास नहीं होता तो सीधा सीधा आंसर ए हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया ना, बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह आप यूज कर रहे हो, है ना, अगेंस्ट अ पेस्ट और अ पर्टिकुलर डिसीज, पेस्ट से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहां इंक्रीज यील्ड नहीं बोलना चाहिए था, इसलिए आप इसको आंसर कर रहे हो. बैक्यूलो वायरस की तो बात ही नहीं हो रही बेटा, बैक्यूलो वायरस वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, आपसे नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं. बिल्कुल करेगा, ऐसा स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइडल नहीं है. बच्चा बोल रहे हैं कि न्यूक्लियो पोलीहेड्रोवायरस बैक्यूलो वायरस का फंगस से प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल बेटा, स्पीशीज स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक फंगस से भी प्रोटेक्शन दे सकता है, इंसेक्टिसाइडल भी है, फंगस से भी प्रोटेक्शन दे सकता है,
देता है, वाइट्रस्ट ऑफ ब्रेसिका का भी काम करता है। इस न्यूक्लियो पोलीहेड्रो वायरस बोला ना, बैक्यूलो वायरस तो बोला नहीं, न्यूक्लियो पोलीहेड्रो वायरस पूरी फैमिली है, उसमें और भी वायरसेस आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट सही है बच्चे, दिक्कत इन दोनों में, सी स्टेटमेंट करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 64 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 65 पे आओ, आपको इनकरेक्ट बताने, फिर से यहाँ पर स्टेटमेंट देखो, जिनको भी उस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है बेटा मैं बता दूँ इतना वेग नहीं आएगा, अब तो बहुत डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस आने लगी हैं आपके पास, तो इतना मत सोचो, इतना कंफ्यूज करने वाला आपके पास आएगा नहीं, आएगा तो सीधा सीधा आएगा, बट उस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन सकते थे, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ऑप्शन वहां पर नहीं होता तो आप ए को ही टिक करते, क्योंकि बीटल माइक्रोब नहीं है, इस चीज को याद रखना, बस इसीलिए मैंने उसको वहां पर बताया आपको, है ना। अब देखो 65, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सोइल, करते हैं। रियलाइजिंग द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, बहुत सारा प्रेशर आ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, इसलिए बायो फर्टिलाइजर्स यूज करने पर भी प्रेशर आ रहा है, सही बात है। बायो फर्टिलाइजर्स का सोर्स क्या है, बैक्टीरिया है, फंगस है, साइनोबैक्टीरिया है, प्रोटोजोन नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में राइजोबियम मिलता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सही बात है, ये गलत है बेटा, क्योंकि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगस बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, प्रोटोजोन नहीं, प्रोटोजोन नहीं। इनडायरेक्टली हुआ मायरा, वही मैं कह रही हूँ, इनडायरेक्टली हुआ, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगेन वही वाली चीज है, इनडायरेक्टली इंक्रीज हुआ, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, बच्चे अभी भी इसी क्वेश्चन पर अड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली इंक्रीज हुआ, डायरेक्ट कॉटन यील्ड इंक्रीज करने वाला काम नहीं आता, कॉटन बोरर्स या बॉल वॉर्म से प्रोटेक्शन करने का काम आता है, वो लिखा होता तो करेक्ट होता, बट अगर मुझे कॉटन की यील्ड इंक्रीज करनी है तो मैं इसके जीन में कुछ ऐसा जीन डालूंगी ना जिससे यील्ड बढ़े, जिससे यील्ड बढ़े, प्रोटेक्शन। बीटी कॉटन का मेन काम क्या है, उसको प्रोटेक्ट करना उस पर्टिकुलर इंसेक्ट से, यील्ड बढ़ाना नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट ज्यादा इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट ज्यादा इनकरेक्ट है, बी ही होना चाहिए बेटा यहाँ पे, है ना। अच्छा बाकी कम से कम प्रोटेक्शन तो शो कर रहे हैं, इसलिए आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 66, द फंगल सिंबायंट इन माइकोराइजा एसोसिएशन एब्जॉर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी 11th में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में भी है कि माइकोराइजल एसोसिएशन में फंगस फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है प्लांट को, इस चैप्टर में भी लिखा हुआ है, वहां पर भी लिखा हुआ है, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67, सही में भावुक क्यों जाते हो तुम लोग, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइकोराइजा, अब ढंग से रीड करना, फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है प्लांट के साथ, उसको आप माइकोराइजल एसोसिएशन बोलते हो, सही बात है। जीनस ग्लोमस माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है, सही बात है। रूट बोन पैथोजन से रेजिस्टेंस देगा, सेलिनिटी ड्रॉट से टॉलरेंस देगा, ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ बढ़ाएगा, बिल्कुल सही बात है, सारे स्टेटमेंट एकदम सही है, तो आंसर हो जाएगा ए, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68, आपको फिर से बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। राइजोबियम फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स विच आर यूज बाई प्लांट एज न्यूट्रिएंट, देखो कितनी छोटी सी गलती है फिर से, राइजोबियम जो फिक्स करता है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, नहीं ऑर्गेनिक फॉर्म्स, एनसीईआरटी रीड करो, पैराग्राफ में लिखा हुआ है डायरेक्ट कि वो इसको कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक फॉर्म में। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में मिलते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, सही बात। ब्लू ग्रीन एल्गी भी ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं सोइल का, सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, सही बात। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं जो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, सही बात। सिर्फ एक स्टेटमेंट आपके पास इनकरेक्ट है, वो भी इसलिए क्योंकि राइजोबियम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69, द बैक्टीरिया विच कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन इट्स प्री लिविंग फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये चीज हमने कहाँ पढ़ी है, मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11th, वहां पर भी हमने पढ़ी है नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम, तो बहुत सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, कुछ फ्री लिविंग है, कुछ सिम्बायंट है। फ्रैंकिया और राइजोबियम तो सिम्बायंट है, तो वो तो हो नहीं सकते, ये दोनों तो सिम्बायंट है, आपसे प्री लिविंग पूछे, प्री लिविंग में आपके पास आ रहे हैं ये, है ना, एजोस्पाइरलम, एजो राइजोबियम, राइजोबियम की वजह से नहीं आएगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, एजोस्पाइरलम एंड एजोटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, है ना, प्लांट के साथ न्यूट्रिशन के लिए, अच्छा तो प्लांट को न्यूट्रिशन देने के लिए और प्लांट से न्यूट्रिशन लेने के लिए ग्लोमस माइकोराइजल एसोसिएशन बनाएगा, सी हो जाएगा आंसर, ये माइकोराइजल एसोसिएशन की बात हो रही है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सोइल बाय प्लांट, फिर से फॉस्फोरस एब्सॉर्प्शन, माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोराइजल एसोसिएशन, आंसर फिर से क्या हो जाएगा, ग्लोमस। देखो ग्लोमस पूछने के कितने तरीके हैं,
ये ग्लोमस पूछने के कितने तरीके आते हैं कि फंगल एसोसिएशन है, माइकोराइजा है, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब कर रहा है, बहुत सारे तरीके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक है, नोस्टोक बैक्टीरिया सिम्बायोटिक है, माइकोराइजा है आपका ग्लोमस, ये भी बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, एग्रोबैक्टीरियम नहीं आएगा बेटा इसका कोई भी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में या फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज करने में कोई भी काम इसका नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम आपने कहाँ पढ़ा है? ये भी आपने बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, याद आ रहा है? तो ये क्या करता था? ट्यूमर करता था प्लांट के अंदर, क्राउन गोल डिसीज, क्राउन गोल डिसीज ट्यूमर इंड्यूस करने का काम करता है, ये फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं करता, ये डिसीज करता है एग्रोबैक्टीरियम, है ना? और ये आपकी आंसर की आ गई। यहाँ पर आपका आज का सेशन खत्म हो गया। हमने कुछ क्वेश्चन, स्पेसिफिकली दो क्वेश्चन, चिंटू क्वेश्चन देखे जिनके अंदर मोर देन वन ऑप्शन हमको करेक्ट लग रहा था, लेकिन हमने मोस्ट करेक्ट चूज किया। बट आप निश्चिंत रहिएगा, आपकी नीट में डायरेक्ट डायरेक्ट ही क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको मोर देन वन करेक्ट नहीं लगेंगे। मल्टीपल वेज देखे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं। आई होप माइक्रोब्स डन एंड डस्टर्ड हो गया। अगर आपने माइक्रोब्स पूरा किया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि माइक्रोब्स डन। कल हम मिलेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को भी खत्म कर लेंगे, तो सारे छोटू छोटू टॉपिक्स हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू पूरा इसको कंप्लीट करने के लिए। अपने आपको थैंक यू बोलो, आपने एक और चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कल हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स भी कर लेंगे। यू वेलकम, यू वेलकम।